Back to the category series video. Today we are going to discuss the note completion category here. So without any delay, everyone, let's get started with the questions. Note completion is exactly similar to completing the sentences. So जैसे हम अपनी blanks को solve करते हैं, same in the same sense हमें अपने notes को complete करना होता है. So हमारे पास क्या है, एक heading given है, that is Marie Curie's research on radioactivity, कि Marie Curie ने कैसे radioactivity के ऊपर research की थी. So question हमारे पास क्या है, when uranium was discovered, जब हमने uranium को discover किया कि वो radioactive है, Marie Curie found that element called dash had the same property. Marie Curie ने ये find किया कि एक और element है जो यूरेनियम जैसा ही है, उसकी भी सेम प्रॉपर्टी है. हमने उस एलिमेंट का यहाँ पर नेम लिखना है एवरीवन. सो लेट्स फाइंड आउट मैरी क्यूरी ने यूरेनियम को कब फाइंड आउट किया. सो यहाँ पर पेरी एंड मैरी क्यूरी का नेम मिल गया हमें, रेडियो एक्टिविटी मिल गई. रेडियो एक्टिविटी उसने किस कहाँ पर देखी थी, ये देखो, रेडियो एक्टिविटी डिस्कवर्ड इन यूरेनियम. उसने यूरेनियम में देखी थी कि रेडियो एक्टिविटी है. शी डिस्कवर्ड, मैरी क्यूरी ने क्या फाइंड आउट किया, दैट दिस वॉज ट्रू फॉर थोरियम. थोरियम जो एक एलिमेंट का नेम है, इवन उसमें भी रेडियो एक्टिविटी थी. दैट मीन्स यूरेनियम का दूसरा एलिमेंट क्या हमें मिल गया, दैट इज थोरियम. सो हमारा फर्स्ट का आंसर क्या आ गया, दैट इज अगेन थोरियम. सो हमारा आंसर यूरेनियम के बाद ही सेम प्रॉपर्टी दिखा रहा है, दैट इज सेम ट्रू फॉर द अदर वन. सो हमारा आंसर इसका आ रहा है थोरियम. लेट्स मूव टू द सेकेंड क्वेश्चन. अभी हमारे पास सेकेंड क्वेश्चन क्या है, मैरी एंड पेरी क्यूरीज रिसर्च, जो मैरी और पेरी क्यूरी की जो रिसर्च थी इन टू रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी के ऊपर, ऑफ मिनिट्वेल नोन एज डैश लेड टू द डिस्कवरी ऑफ टू न्यू एलिमेंट्स. दो हम नए एलिमेंट्स फाइंड आउट कर पाए एक मिनरल को डिस्कवर करने के बाद, एक मिनरल के ऊपर रिसर्च करने के बाद. उस मिनरल का हमने अभी नेम बताना है. लेट्स सी एवरीवन, दो एलिमेंट्स की बात कहाँ पर हो रही है और मिनरल की बात कहाँ पर हो रही है. चलिए जी, नेक्स्ट पैराग्राफ में यहाँ पर ये देखो मिनरल्स की बात हो रही है, ठीक है. टर्निंग उसने फिर मिनरल्स के ऊपर फोकस किया. शी फाउंड हर इंटरेस्ट ड्रॉन टू पिच ब्लेंड अ मिनरल. सो पिच ब्लेंड क्या है, एक मिनरल है, मे बी ये हमारा आंसर हो पाया. लेकिन हमने देखना है इसमें से दो एलिमेंट्स हमें मिल रहे हैं या नहीं. रेडियो एक्टिविटीज की प्योर यूरेनियम से भी ज्यादा अच्छी है. अगर हम इसको स्मॉल क्वांटिटी में ही यूज करें तो ये बहुत हाई एक्टिविटी शो करेगा. फिर जो पेरी क्यूरी है उसने भी उसके वर्क में उसको हेल्प की, दैट लेड टू द डिस्कवरी ऑफ टू एलिमेंट, जिसकी वजह से वो दो एलिमेंट्स फाइंड आउट कर पाए, रेडियम एंड पोलोनियम. किसके ऊपर रिसर्च कर रहे थे जब उन्होंने ये इसको फाइंड आउट किया, दैट वॉज द मिनरल नेम्ड पिच ब्लेंड. सो हमारा आंसर क्या आ गया फॉर सेकेंड क्वेश्चन, इट इज पिच ब्लेंड. क्वेश्चन नंबर थर्ड नाउ. इन 1911, सो 1911 में मैरी क्यूरी रिसीव्ड रिकॉग्निशन. मैरी क्यूरी को कोई अवार्ड मिला, कोई प्राइज मिला फॉर हर वर्क, अपने काम के वास्ते, ऑन द एलिमेंट, किसी एलिमेंट के ऊपर. सो हमने उस एलिमेंट का नेम लिखना है यहाँ पर. सो हम पहले फाइंड आउट करेंगे 1911 हमें कहाँ पर मिल रहा है. सो ये देखिए, यहाँ पर हमें 1911 मिल गया, ठीक है. हमने अपना कीवर्ड फाइंड आउट किया 1911. शी वॉज अवॉर्डेड, उसको रिकॉग्निशन मिली, क्या, नोबेल प्राइज मिला केमिस्ट्री में फॉर आइसोलेशन ऑफ अ प्योर फॉर्म ऑफ रेडियो. उन्होंने रेडियम की प्योर फॉर्म को आइसोलेट किया था. दैट मीन्स उसने किस एलिमेंट के ऊपर वर्क किया था, रेडियम के ऊपर. सो हमारा नेक्स्ट आंसर आ गया, दैट इज रेडियम, एलिमेंट, वर्क ऑन द एलिमेंट रेडियम. क्वेश्चन नंबर फोर्थ नाउ. मैरी एंड आइरीन क्यूरी डेवलप्ड एक्स रेडियोग्राफी. सो मैरी और आइरीन क्यूरी ने क्या किया, एक्स रेडियोग्राफी को बनाया, विच वॉज यूज एज अ मेडिकल टेक्निक, जो एक मेडिसिनल टेक्निक की वजह से मेडिसिनल एरिया, मेडिसिनल डिपार्टमेंट में यूज होती थी. मेडिसिनल, मेडिकल टेक्निक फॉर डार्क. सो ये टेक्निक इसके वास्ते यूज होती थी. लेट्स सी एवरीवन, एक्स रेडियोग्राफी एंड जो मैरी क्यूरी के साथ हमारे पास आइरीन क्यूरी थी, उनका हमें नेम कहाँ पर मिल रहा है. ये देखो, यहाँ पर हमें फर्स्ट लाइन में आइरीन का नेम मिला, एक्स रेडियोग्राफी हमें यहाँ पर मिल गई. वो इसको किसके वास्ते यूज कर रहे हैं, इंक्लूडिंग द मोबाइल यूनिट्स विच केम टू नोन एज लिटिल क्यूरीज, यूज्ड, यूज किसको किया, फॉर द ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट के वास्ते ऑफ वाउंडेड. नाउ वाउंडेड, एवरीवन, वाउंड्स आर जो हमारे जख्म हो जाते हैं. दैट मीन्स इट इज रिलेटेड टू मेडिसिन, राइट. वाउंडेड सोल्जर्स, सोल्जर्स जो वाउंडेड थे, जो जख्मी थे, उनके वास्ते उन्होंने उसको टेक्निक को यूज किया. क्वेश्चन हमारा क्या है, एक्स रेडियोग्राफी को यूज किया गया था एज अ मेडिकल टेक्निक, किसके वास्ते, फॉर सोल्जर्स. हमारा सोल्जर जो है वो आंसर आ गया. वाउंडेड सोल्जर्स एवरीवन नहीं आ सकता, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी इंस्ट्रक्शन है कि हमने सिर्फ वन वर्ड को ही यूज करना है. नाउ क्वेश्चन नंबर फाइव.
मैरी क्यूरी सॉ इम्पॉर्टेंस ऑफ कलेक्टिंग रेडियोएक्टिव मटेरियल। मैरी क्यूरी ने देखा कि हाँ, रेडियोएक्टिव मटेरियल को कलेक्ट करना तो हमारे वास्ते बहुत इंपॉर्टेंट है, बोथ फॉर रिसर्च, रिसर्च के वास्ते भी एंड किसी और चीज़ के वास्ते भी। हमने बताने कौन सी और चीज़ के वास्ते ये इंपॉर्टेंट था, रेडियोएक्टिव मटेरियल को कलेक्ट करना। ओके, सो यहाँ पर रेडियो एक्टिव मटीरियल को हम कलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। नेक्स्ट में एवरीवन डॉटर्स की बात हो रही है, लेक्चर्स की बात हो रही है, यहाँ पर भी हम रेडियो एक्टिव मटीरियल को कलेक्ट नहीं कर रहे हैं। सो अचीवमेंट अकमलेट, अकमलेट मतलब इकट्ठा करना, किसको इकट्ठा कर रहे हैं, वो रेडियो एक्टिव सोर्सेज को, दैट मीन्स कि रेडियो एक्टिव मटीरियल को इकट्ठा कर रहे हैं। नॉट ओनली टू ट्रीट इलनेस, सिर्फ इलनेस को ट्रीट करने के वास्ते नहीं, बट ऑल्सो टू मेंटेन एन अबंडेंट सप्लाई फॉर रिसर्च, दैट मीन्स रिसर्च और इलनेस दोनों के वास्ते वो मटीरियल को इकट्ठा कर रहे थे। लेट्स सी हमें क्या गिवन है क्या नहीं। सो वो भी कलेक्ट कर रहे हैं रेडियो एक्टिव मटीरियल को रिसर्च के वास्ते। रिसर्च के साथ एक और चीज़ क्या गिवन थी हमें, दैट वॉज इलनेस। सो हमारा फिफ्थ का आंसर आ गया इलनेस। क्वेश्चन नंबर सिक्स एवरीवन, द रेडियो एक्टिव मटीरियल शॉक्ड स्टॉक्ड सॉरी द रेडियो एक्टिव मटीरियल स्टॉक्ड इन पैरिस। जो हमने पैरिस में रेडियो एक्टिव मटीरियल इकट्ठा किया था, कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द डिस्कवरीज, उससे हम बहुत ज़्यादा डिस्कवरीज कर पाए 1930s में ऑफ द डैश एंड ऑफ वट वॉज नोन एज आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। हमने आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी की भी डिस्कवरी की और 1930s में किसी और चीज़ की भी की थी। लेट्स फाइंड आउट 1930s का मिल रहा है। सेम एवरीवन, यहाँ देखो 1930s मिल गया, इसकी स्टार्टिंग लाइन से कर लेते हैं। सो पेरिस में हमारे पास रेडियम का इंस्टीट्यूट था, जहाँ पर हमने 1.5 ग्राम्स रेडियम जमा करके रखा था। डिसीजिव कॉन्ट्रीब्यूशन टू द सक्सेस ऑफ एक्सपेरिमेंट्स अंडरटेकन इन द ईयर्स अराउंड 1930s, 1930s उस दौरान हमने क्या किया था, बहुत सारे फिर एक्सपेरिमेंट्स किए हुए थे। दिस वर्क प्रिपेयर द वे फॉर डिस्कवरी, इस काम के वास्ते, इस एक्सपेरिमेंट के वास्ते हमने डिस्कवरी की। डिस्कवरी किसकी की एवरीवन, न्यूट्रॉन्स की हमने डिस्कवरी की थी बाय सर जेम्स कैडविक। सो किस चीज़ की हमने डिस्कवरी की, हमने डिस्कवरी की थी न्यूट्रॉन्स की। प्लस जो आयरीन और जो फ्रेडरिक जेलियट क्यूरी थी, उन्होंने आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी की भी डिस्कवरी की थी। आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन था। सो एक और चीज़ जिसकी डिस्कवरी हुई थी वो क्या था, दैट वॉज न्यूट्रॉन। सो हमारा सिक्स का आंसर आ गया, दैट इज न्यूट्रॉन। सो अगेन एवरीवन, जस्ट लाइक ब्लैंक्स, हम अपने नोट कंप्लीशन को सॉल्व कर लेते हैं। सो नोट कंप्लीशन को सॉल्व करना सिंपल है, अगर आप अपने कीवर्ड्स के ऊपर फोकस करो, डेट्स के ऊपर फोकस करो, सिनोनिम्स के ऊपर फोकस करो, तो आप इजीली ये जो नोट कंप्लीशन कैटेगरी है ना, इसको सॉल्व कर सकते हो। बहुत डिफिकल्ट नहीं होती, काफ़ी ईजी होती है ये। इसको हम इवन ईजिली विद इन अ फ्यू मिनट्स इसको सॉल्व कर सकते हैं। ज़्यादा इसको टाइम भी नहीं लगता, ज़्यादा हमें पढ़ने की भी जरूरत नहीं होती, बस अपने कीवर्ड को देखो, सिनोनिम्स मैच करो और आंसर आपके सामने आ जाता है। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आप इसको लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए आपको नेक्स्ट कौन सी कैटेगरी की वीडियो जो है वो चाहिए। थैंक यू एवरीवन।